इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 मैथ का एग्जाम मॉडल सेट 4 सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम मॉडल सेट 1, 2, 3 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। एग्जाम में एग्जाम मॉडल सेट से ही क्वेश्चन आता है, किताब से तो आता नहीं है, तो इसलिए मॉडल सेट का जो सीरीज है ना वो चालू किए हैं। सारे सब्जेक्ट के मॉडल सेट में, जो मॉडल सेट के वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, टोटल मार्क्स रहेगा 50 और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय दिए जाएंगे 2 घंटे। तो चलिए बिना समय को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन में बोला जा रहा है सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ क ख ग घ, तो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। एक का सही जवाब दीजिएगा तो 1.25 नंबर मिलेगा, और 4 का सही जवाब दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। देखिए वन में बोला जा रहा है 3, 4 और 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर है। अंतर करने का मतलब क्या, हमें घटाना है, सबसे बड़ी संख्या में से घटा देंगे सबसे छोटी संख्या, तो वही आ जाएगा आंसर, तो 4 में से कोई होगा। तो ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होता, घटते क्रम में रहता है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या घटते क्रम में रहता है, तो 3, 4, 5 में से घटते क्रम 5, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 3, तो घटते क्रम में है। सबसे छोटी संख्या क्या होता है, बढ़ते क्रम में रहता है, तो सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, उसके बाद ये क्या आएगा, उसके बाद 5 आएगा 5। तो ये हमारा हो गया सबसे छोटी संख्या, ये हमारा हो गया सबसे बड़ी संख्या 3, 4 और 5 से बनने वाली। अब क्या पूछ रहा, अंतर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 5, 4, 3 में घटाते हैं 3, 4, 5। ठीक है, 5, 4, 3 में से घटाना था 3, 4 और 5, तो घटाते हैं। ठीक है, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो इसमें से 1 ले लेते हैं, तो कितना है, ठीक है पहले 3 था, इसमें से 1 ले लिए तो कितना हो गया 13 हो गया, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8, इसमें से 1 ले लिए थे तो 3 हो गया, 3 में से 4 तो जाएगा नहीं तो इसमें से 1 ले लेते हैं तो 13 हो गया, तो 13 में से 4 घटाना, तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 9 लिख दिए, इसमें से 1 ले लिया था तो क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 1, तो आगे हमारा 198। तो 198 किस में है, ख में है, तो टिक मार दिए, तो आपको 1.25 नंबर मिल गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 2 में दिया हुआ वो संख्या जिसके 1000 का अंक 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 है। देखिए संख्या को कैसे लिखते हैं, पहले इकाई लिखते हैं, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10000। आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है ना बस वही सॉल्व करा रहे हैं। क्लास 5 मैथ के सारे वीडियोस बना चुके हैं, और कुछ भी कन्फ्यूजन है तो उन सारे वीडियोस को आप देखिए। इकाई में क्या है, 2 है, दहाई में कितना है 4 है, सैकड़ा, सैकड़ा तो दिया हुआ नहीं है, 1000 कितना है 8 है। देखिए यहाँ पर सैकड़ा तो दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या है 0 है, तो क्या आ गया 8042। तो देखिए 8042 किस में है, ख में है, 8042, 8042। आगे देखिए सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो देखिए आगे क्या है 6 है, इसमें 9 है, 7 है, 6 है, तो 6, 9, 7, 9, सबसे छोटी कौन है इसमें, तो सबसे छोटा कौन है इसमें 6 है, तो 6 वाला हो जाएगा, तो क, तो क हो गया सबसे छोटी संख्या। 4 देखिए 2585 यानी 2585 में सैकड़े स्थान के अंक का स्थानीय मान इकाई स्थान के अंक के स्थानीय मान का है, तो क्या है 10 गुना 1000 गुना 100 गुना या फिर कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं अगर होगा 200 गुना, तो 200 गुना क्या है, इसमें तो नहीं दिया हुआ तो कोई नहीं हो जाएगा, मान लीजिए बोलना है, अभी निकाले कहाँ, तो इन 3 में से नहीं होगा आंसर, तो घर में टिक मार देंगे। तो देखिए बोल रहा है कि इतना में 2585 में सैकड़े स्थान के अंक का स्थानीय मान इकाई स्थान के अंक का स्थानीय मान कहाँ है, तो हमको निकालना पड़ेगा, तो सैकड़ा पर कौन है, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 5 है ये वाला, तो जो सैकड़ा पे है ना 5, इसका स्थानीय मान कैसे निकलेगा, 5 है तो 5 लिख दें, इसके बाद 2 अंक है तो 2 0 दे दें, हो गया खत्म। उसके बाद देखिए ये 5 देखें, 5 है तो 5 लिख दें, इसके बाद क्या है कितना अंक है, कोई अंक है ही नहीं, तो 5 का 5 ही रहेगा। अब देखिए अब क्या बोला जा रहा है, सैकड़े स्थान के अंक का स्थानीय मान यानी कि ये वाला, इकाई स्थान के अंक का स्थानीय मान यानी ये वाला, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 500 लिखा हुआ था, यहाँ पर 5 लिखा हुआ, तो ये है ना,
ये 5 का क्या है? तो देखिए क्या है, 100 गुना है, देख रहे हैं 100 गुना, 5 में 100 गुना करेंगे तभी ना आएगा 500, तो 100 गुना, तो आंसर हो जाएगा ग, 100 गुना। देखिए 2 में बोला जा रहा है स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन, एक का सही जवाब दीजिएगा तो 1.25, और चारों का सही जवाब दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए, 3 अंकों के सबसे बड़ी तथा सबसे छोटे संख्या का योगफल जोड़ना है। 3 अंकों के सबसे बड़ी संख्या 999, सबसे छोटी संख्या 1 लिख दिए, 3 अंक बनाना है ना, तो 2 0 दे दीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखिए और फिर 4 अंक बना दीजिए 0 लगा के, समझ रहे हैं ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दिए, सबसे छोटी संख्या लिख दिए, अब क्या करना, जोड़ना है तो जोड़िए, 9 1 10, तो 1099, 1099, 1099 इसमें है, तो क्या करेंगे इसको ऐसे मिला देते हैं, हो गया। आगे क्या बोला जा रहा, 2 संख्याओं का योग इतना है, 1 संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, घटाएंगे, समझ रहे बात को, तो घटा देते हैं, तो 978, 978 में से घटाना है 367, तो देखिए क्या आएगा, 8 में से 7 गया 1, 7 में 6 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 611, समझ गया ना, 611 इसी में है ना ये, तो क्या करते हैं मिला देते हैं, मिला दिए, 300 और 1 का अंतर, तो 300 में से 1 जाएगा कितना आएगा 299, ये तो सामने सामने है, और जो बच गया वो मिला देंगे, ये क्वेश्चन देखना ही नहीं क्या बोल रहा है, जो बच गया बस मिला देना है, तो एग्जाम में इसी तरह बनाता है। 3 देखिए 3 में लिखा हुआ कोष्ठक में से, कोष्ठक यानी ब्रैकेट, कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। तो 2 ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों में से जो होगा उसको यहाँ पर भर देंगे। 4 सवाल है खाली स्थान, 1 का सही जवाब दीजिएगा तो 1.25, 4 सही जवाब दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे जैसे बताएंगे, बस उसी तरह बनाना है। देखिए इसमें गुना करना है 9 से, ठीक है, तो कितना होगा देखिए, गुना करते 4 है, कितना 40, आपको गुना करके दिखा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 9 में 81 के 1, हाथ में कितना 8, 9 का टेबल 0 बार तो 0, और 0 और 8 जो हाथ में था तो 8 हो गया, 3 0 है, 3 0 हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी कि क्या 36 3 0 और 81, 3 0 चाहिए, 36 3 0 81, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर भर देंगे, समझ गए ना, 36 3 0 फिर क्या 81 भर दिए। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल, तो इसी को यहाँ पर भरेंगे। 3 है 315 में भागा देना है 3 से, तो आपको भागा दे के दिखाई देते हैं, 3 एकम 3 कट गया, 1 उतार दिए तो 3 का टेबल में 1 आता है, नहीं आता है, तो 5 भी उतारना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर समझना क्या है ना, जब 2 गो अंक उतार देते हैं ना, जब 2 गो अंक उतार देते हैं तो यहाँ पर 1 0 देना पड़ता है। अब देखिए 3 5 15 कट गया, कितना आ गया 105 आ गया, तो 15 आएगा कि 105 आएगा, तो क्या आएगा 105 आएगा। 139 में 7 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, तो चलिए भाग दे के देखते हैं कितना बचेगा, 7 2 14 हो जाता है तो नहीं लगेगा, तो 7 1 7, ठीक है, 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा, 9 उतार दिए। अब देखिए अब कितना बार में लगेगा, देखिए 7 7 49 78 56 79 63 होता है, ठीक है, 9 में से 3 गया 6, तो देखिए कितना बच गया, शेषफल बच गया 6 बच गया 6, तो ये क्या बचेगा 6 बचेगा 5 6, तो 6 लिख दिए, हो गया। इसके PDF का लिंक है ना कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इन सारे क्वेश्चंस को लिख लें कॉपी में, क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आते हैं। 4 है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल के कोष्ठक में भरिए, ठीक है, बगल के कोष्ठक में भरिए। इसमें क्या है, 4 गो भरने वाला रहेगा, 1 का सही जवाब दीजिएगा 1.25, 4 सही जवाब दीजिएगा तो 5 नंबर। देखिए ये सब क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन कौन से दिया हुआ है, और यही सेम टू सेम क्वेश्चन था सेट 3 में, तो सेट 3 का वीडियो आप देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो, देख चुके हैं तो ये तो आपको पता ही होगा सेम टू सेम दिया हुआ है सेट 4 में, जिसको बता करके टाइम पास नहीं करना, तो आप सेट 3 का वीडियो देख लीजिए, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन था तो बताया गया,
तो अच्छे से बता दिए हैं। फाइव देखिए, एक वर्ग, एक आयत और एक बेलन का चित्र और इन्हें ठीक दो भागों में बांटने के लिए सममित अक्ष बनाइए। तो बोला जा रहा है कि एक वर्ग का चित्र बनाना, फिर एक आयत का बनाना, फिर एक बेलन का बनाना है चित्र, फिर क्या करना है, इसको दो बराबर भागों में बांट देना, समझिए। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि वर्ग और आयत कहते किसको है। देखिए, वर्ग कहते हैं ना कि वैसा चतुर्भुज जिसमें क्या, जिसमें चारों भुजा बराबर हो, इसमें ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ठीक है। तो देखिए, इसमें चारों भुजा बराबर होता है, ये 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 चारों भुजा बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं ये 4 मीटर रहेगा, तो सब के सब है ना, सब के सब 4 मीटर रहेगा, तो ये होता है वर्ग। और क्या होता है, और ये जो कोण है ना, ये कोण, ये सब के सब समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है, समझ गए वर्ग किसको कहते हैं। अब आगे देखिए, ये जो है ना, ये जो आयत, ये क्या होता है, आयत कहते वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो देखिए, ये है, ये इसके बराबर है और समांतर है, मतलब सीधा, और ये क्या है, इसके बराबर है, हो गया। और क्या होता है, जितने सारे कोण बनता है ना, वो समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो वही यहाँ पर बनाया है, कैसे बनाएंगे आपको बता दिए। अब देखिए, अब बेलन कैसे बनाएंगे, तो बेलन इस तरह से करना है, मतलब खींच देना है, उसके बाद इस तरह से कर देना है, तो हो जाएगा, तो ये हो गया बेलन। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, सममित अक्ष बनाइए, मतलब एक ऐसा लाइन खींचना है ना, ठीक है, लाइन खींच करके इसको दो भागों में बांटना है। तो देखिए, ये दोनों तो 2D में है, ये 3D में है, ठीक है, 3D में, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, लेकिन इसमें क्या, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई ही है। तो देखिए, इसको बांटेंगे, ठीक है, तो लाइन मिलेगा, इसको बांटेंगे तो लाइन मिलेगा, लेकिन इसको बांटेंगे ना तो एक सतह मिलेगा। तो अगर ये ठोस है, यानी अंदर भरा हुआ, तो एक सतह मिलेगा, इसको काटेंगे तब, ठीक है, लेकिन अगर खोखला है तो एक लाइन से बांट सकते हैं। तो देखिए, सममित अक्ष बनाना है, तो देखिए दो बराबर भागों में ना इन तीनों को दो तरीके से बांट सकते हैं। तो एग्जाम में कोई एक ही तरीका से बांटना रहता है। देखिए, सबसे पहले है कि ऐसे बांट सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, सीधा रेखा से स्केल से खींचेगा। देखिए, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये दोनों जो भाग है ना, दोनों क्या है, बराबर है। दूसरी को बोलते हैं सममित अक्ष, ठीक है, सममित अक्ष या सममित रेखा। तो ऐसे करेंगे स्केल से, ठीक है, ऐसे, तो दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है, ये करेंगे, या फिर इसको सीधा से बांट देंगे, सीधा, ठीक है, सीधा, तो हम सीधा बांटना है, स्केल से कीजिएगा आप, हो गया। तो ये भाग और ये भाग क्या बराबर है, ये भाग बराबर है, ये भाग और ये भाग दोनों क्या है, बराबर है, समझ गए। तो दोनों में से किसी एक तरीका से ही बांटना है, या फिर इससे बांटिए या फिर इससे बांटिए। इस रेखा को क्या कहते हैं, सोई हुई रेखा, साधारण भाषा में, और शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और इसको बोलते हैं खड़ी रेखा, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, उदग्र रेखा किताबी भाषा में। तो इससे बांटिए नहीं तो इससे बांटिए, तो दोनों में से है ना किसी एक से ही बांटना है, दोनों से नहीं कि ऐसे कर दिए ऐसे कर दिए, तो ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो भागों में ही बांटना है। जैसे मान लेते ऐसे कर दिए ऐसे कर दिए, एक दो तीन चार, चार भाग में बढ़ गया, तो ऐसा नहीं करना। तो ये 6 में दिया हुआ है, एक घन का चित्र बनाइए, ठीक है, तो सबसे पहले घन का चित्र बनाते हैं, बना दिए। तो आप बोलेंगे कि कैसे बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्ग बना लेंगे। वर्ग किसको कहते हैं, अभी बताए हैं, जिस चारों भुजाएं बराबर हो। उसके बाद क्या, सेम टू सेम एक और वर्ग बनाएंगे, ठीक है, सेम टू सेम, हो गया। अब इसको क्या करना है, मिला देना है, तो बन गया हमारा घन, घन बनकर तैयार हो गया, हो गया, एकदम सीधा रहना चाहिए, बिल्कुल इसकी तरह, हो गया। अब आगे देखें, और उसके सतहों की कुल संख्या, शीर्षों की कुल संख्या और किनारों की कुल संख्या लिखिए। तो ये सतह कितना होता है, सतह, जैसे आप जो मोबाइल पकड़े हुए हैं ना, ठीक है, उसका सतह गिनिए। भले ही मोबाइल में क्या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई कही या मोटाई कहिए, ये क्या तीनों अलग है, ठीक है। तो मोबाइल इस तरह से है, लंबाई क्या है ज़्यादा है ना, लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। मोबाइल क्या है, घनाभ के आकार का है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। और घन में क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होता है, एक ही रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। लेकिन
घन और घनाभ में सतह, शीर्ष और किनारा सेम ही रहता है, समझे? इसलिए आपको मोबाइल का एग्जांपल लेके बता रहे हैं। देखिए मोबाइल का स्क्रीन है, मान लेते हैं ये आगे वाला एक सतह हो गया, उसके पीछे वाला एक रहेगा, दो हो गया, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है? उसके बाद लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, कितना हो गया? छः सतह हो गया। छः तो सतह कितना हो गया? छः हो गया। अब आते हैं शीर्ष गिनते हैं। शीर्ष यानी क्या? कोना। देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। तो शीर्ष कितना हो गया? आठ हो गया। अब बढ़ते हैं किनारा की ओर। देखिए एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा, पाँच, छः, सात और आठ। हो गया ना आठ। उसके बाद नौ, दस, ग्यारह और ये 12। तो किनारा कितना हो गया? 12 हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक जरूर करें। 7 है, यदि एक बर्तन में 2.750 लीटर पानी आता है, पानी आता है यानी क्या, एक बर्तन में पानी इतना अटता है, तो ऐसे पांच बर्तनों में कुल कितना लीटर पानी रखा जा सकेगा? ठीक है, मान लेते हैं कि एक किताब का दाम है 10 रुपया, तो पांच किताब का दाम कितना होगा? तो आप बोलिएगा फटाक से कि 50 होगा। तो कैसे निकालें? गुना करके तो निकाले हैं, तो यहाँ पर भी गुना कर देंगे, इतना से इतना गुना कर देंगे। तो गुना कर देते हैं, 2750, पाँच है तो पाँच, ठीक है, पाँच का टेबल 0 बार थे, 0 पचरा 25, तो 25 के 5 हाथ में 2, 5 से तो 35, 2 हाथ में था 37, ठीक है, 3 बच गया, 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना? 13। तो कितना आ गया? 13750। अब देखिए ये जो दशमलव है ना, ये जो दशमलव कितना अंक के पहले? 1 2 3, 3 अंक के पहले है, तो यहाँ देंगे 1 2 3, 3 अंक के पहले देंगे, तो हो गया, तो 13.750 आ गया। ये दशमलव वाला गुना भाग जो भी है ये सब बताए थे भिन्न और दशमलव के वीडियोस में। अगर आप वीडियोस को नहीं देखे हैं तो वीडियोस को जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में जाकर, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिए हैं। क्लास 5 मैथ के सारे वीडियोस को सॉल्व कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे ना, चूंकि एक बर्तन में पानी आता है यानी पानी अटता है, यहाँ जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में बस वही लिख देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि अटता है लिखेंगे कि आता है लिखेंगे, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ बस लिख देना है। लेकिन चूंकि एक बर्तन में पानी आता है 2.750 लीटर लिख दिए, अब क्या पूछ रहा है? पांच बर्तनों में कुल कितना लीटर पानी रखा जा सकेगा, तो लिखेंगे इसलिए पांच बर्तन में पानी आएगा, तो एक बर्तन से क्या आएगा? ज़्यादा ही आएगा ना पाँच में, तो क्या करेंगे? ज़्यादा आएगा तो गुना करेंगे, तो बस लीटर है तो लीटर गुना करके आपको बता चुके हैं, तो ये आंसर आ गया। 8 में बोला जा रहा है, एक आयताकार बाघ की लंबाई 35 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है, तो उसके परिमाप की गणना कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है एक आयताकार बाघ है, बना दिए, 35 मीटर लंबाई है, तो 35 मीटर हो गया लंबाई, चौड़ाई है 25 मीटर, तो 25 लिख दिए, ठीक है। ठीक है, परिमाप की गणना कीजिए। क्या बोला? परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है ना, जो भुजा है ना, ठीक है, तो सभी भुजा को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो हमारा निकल के आता है परिमाप। तो जोड़ते कैसे हैं? देखिए 35 और 35 कितना हो गया? 70। 25 और 25 कितना हो गया? 50। 70 और 50 जोड़ेंगे कितना आएगा? 120। समझ गए? कितना आसान है, बहुत आसान है। तो कितना आ गया? परिमाप आ गया 120। मीटर है तो मीटर लिख दिए, तो परिमाप आ गया 120 मीटर। तो बस इसी को क्या करना है ना, अच्छे से लिख देना है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है ना वो लिखेंगे, ताकि कॉपी चेक करने वाले को ना ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दिया गया है आयताकार बाग की लंबाई 35 मीटर, चौड़ाई है 25 मीटर। अब ये जो बताए थे ना आपको, ये जोड़ने वाला लंबाई 2 गो था, 2 गो क्या था? चौड़ाई था। तो फॉर्मूला क्या बनता है? 2 गो लंबाई, ये वाला जोड़ेंगे तब, ठीक है, और चौड़ाई, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। तो 2 क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होता है? एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो वही फॉर्मूला को, यही है ना फॉर्मूला को यहाँ पर लिखे हैं, समझे? तो डायरेक्ट नहीं बनाना, फॉर्मूला लिख के बनाना है। तो इसलिए बाघ का परिमाप बराबर 2 इंटू, यहाँ पर गुना है ना, छिपा हो रहा था,
ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के आगे यहाँ पर ना गुना छिपा हुआ था, तो टू इंटू लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई था 35, चौड़ाई था 25। मी मतलब क्या होता है, मीटर, मीटर को शॉर्ट में लिखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 35 और 25, तो 35 5 40 20 60, तो दो में अगर हम 60 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 120 ही आएगा ना, 120 मीटर। कैसे गुना किए, दो छक कितना होता है 12, एक जीरो होता है, एक जीरो दे दिए तो आ गया आंसर, कितना आ गया आंसर, 120 मीटर। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, आंसर को इस तरह से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो चेक करने वाले का है ना ध्यान एकदम डायरेक्ट आंसर पर जाता है, और ऐसे एकदम अच्छा से लिख देते हैं आंसर। अब देखिए ये सब जो है लिखा हुआ, तो आपका ध्यान किस पे जा रहा है, ये जो बॉक्स बनाया गया है ना उसी पर जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम देते रहते हैं ना, तो ये सब तो लिख दिए, ठीक है लिख दिए ना, तो फॉर्मूला नहीं पता है तो ठीक है नहीं लिखे, लेकिन क्या करते हैं ना कि आंसर बगल वाला से पूछ लेते हैं किसी तेज बच्चा से, और इसको लिख देते हैं अंत में और घेर देते हैं और आंसर लिख देते हैं। तो कॉपी चेक करने वाले का ध्यान क्या, डायरेक्ट आंसर पर जाता है। तो कॉपी क्या होता है ना, कॉपी ज़्यादा जल्दी जल्दी चेक करने के चलते ना, तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, सिर्फ आंसर देखते हैं ना कि 120 मीटर ये तो सही है, तो बस 5 नंबर मिल जाता है, इस पर उतना ध्यान नहीं जाता। कई बार ऐसा होता है लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, आप तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आपका क्वेश्चन अगर छूट जाता है ना एग्जाम में, तो बगल वाले लड़का से सिर्फ आंसर जरूर पूछ लीजिए, और इसको अंत में लिख दीजिए आंसर को, और गोल करके आंसर लिख दीजिए। तो अगर आपका लक अच्छा रहेगा तो आपको 5 में 5 मिल जाएंगे, लक खराब रहेगा तो नहीं मिलेगा। देखिए 9 में बोला जा रहा है, रीता की घड़ी में 9:30 हो रहा है, 9:30, उसे 10 बजे तक स्कूल पहुंचना है, रीता के पास अभी कितने मिनट का समय बाकी है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, घड़ी में बज रहा है, रीता की घड़ी में 9:30 हुआ है, 10 बजे तक उसको स्कूल पहुँचना है, कितना 10 बजे तक, ठीक है। तो आप जरा सोचिए कि अभी 9:30 बज रहा है, तो 10 बजने में कितना मिनट बचा हुआ, 30 मिनट, क्योंकि 1 घंटा में क्या होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, समझे। तो अभी 9:30 बज रहा है यानी 9:30 हो रहा, तो 30 मिनट और बचा हुआ है 10 बजने में, तो ये तो आसान है, बस उसको खाली लिखना नहीं है कि 30 मिनट ऐसे करके लिख दिए और आंसर हो गया, नहीं, 5 नंबर का है ना, तो थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, तो लिखेंगे 10 बजे तक स्कूल पहुंचना है, अभी समय है 9:30, तो लिखेंगे इसलिए बाकी समय बराबर 10 में से घटाएंगे 9:30, तो आ जाएगा 30 मिनट, ठीक है। तो ये आंसर नहीं लिखेंगे, आगे कुछ और भी लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ ना वो देखिए 10, ठीक है, तो ये घंटा दिया हुआ, ये कॉलन बोलते हैं, कॉलन के बाद क्या 0:00 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये मिनट है ना, मिनट 0 दिया हुआ कि मिनट है ही नहीं, यहाँ पर 9:30 लिखा हुआ यानी क्या 9 घंटा है और 30 मिनट हो रहा, इसलिए यहाँ पर 0:00 है ना एक्स्ट्रा ऐसे दे दिया। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रीता के पास अभी कितने मिनट का समय बाकी है, तो लिखेंगे अतः, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अतः लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे रीता के पास अभी कितने की जगह सिर्फ क्या 30 लिखेंगे, और मिनट का समय बाकी है, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप, तो लिख दिए अतः रीता के पास अभी 30 मिनट का समय बाकी है, ठीक है, अंत में ये लिखना जरूरी है। 10 में बोला जा रहा है, नीचे दी गई तालिका को देखिए तथा उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये 5 नंबर का है, समझ गए ना, 5 नंबर का, ठीक है। खेल का नाम दिया हुआ और यहाँ पर कितने बच्चे पसंद करते हैं ना उनकी संख्या को दिया हुआ। तो पहला पूछा जा रहा है, सबसे अधिक बच्चे कौन सा खेल पसंद करते हैं, तो सबसे अधिक बच्चे कौन सा खेल पसंद करते हैं, खेल का नाम, तो देखिए 8 है, 8 सबसे ज़्यादा संख्या क्या 8 है, तो ये जो 8 है ना, तो इसके सामने क्या है, कंचे, तो सबसे अधिक बच्चे कंचे खेलना पसंद करते हैं। उसके बाद है कौन सा खेल सबसे कम बच्चों की पसंद है, सबसे कम बच्चा, तो देखिए सबसे कम बच्चा क्या इसमें है, तो सबसे कम बच्चा गुल्ली डंडा खेलना पसंद करते हैं। तीसरा सवाल है, पिट्टो खेलने वाले कितने बच्चे हैं, तो पिट्टो देखिए, पिट्टो सोचा सामने क्या ये है,
तो पिट्टू खेलने वाले बच्चे हैं ना, पांच है, समझ गया? तो लिख दिए कंचे, गुल्ली, डंडा और पांच। कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से इसको कॉपी में लिख लीजिए और इसको रिवीजन करते रहिएगा, आप बनाते रहिएगा। प्रैक्टिस जितना मैथ को कीजिएगा ना, उतना मैथ मजबूत होगा और फास्ट बनेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लाल वाला बटन है उसको फोड़ दें।